हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। हम क्वेश्चन टॉपिक वाइज टॉपिक सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आप जानते होंगे कि हमें अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो हमें कॉस्ट प्राइस पे होता है। हमें जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस अगर 620 रुपये है, इस कॉस्ट प्राइस अगर 620 रुपये है और सेलिंग प्राइस है 713 रुपये, तो आप जान सकते हैं इतने की चीज हमने खरीदी और इतने में सेल कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है 713 में से। अगर हम इसके कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 93 रुपये का। हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 93 रुपये का। अगर हमें निकालना है क्या प्रॉफिट, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP क्या है हमारा, 713 माइनस 620, देन आंसर आ जाएगा 93। हमें निकालना है गेन परसेंट। गेन, गेन माने होता है लाभ या प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लीकेशन 100%। इनकी वैल्यू यहां से हम पुट कर देंगे। गेन की वैल्यू हमारी निकल के आई है 93, कॉस्ट प्राइस है हमारा 620 और मल्टीप्लीकेशन 100। 10 से 10 और 31 2 62, 31 3 93। तो हमारा आंसर आएगा 30/2 इज इक्वल टू 15%। तो हमें जो इस प्रोडक्ट को सेल करने में फायदा हुआ है वो है 15%। सेकंड, सेकंड का कॉस्ट प्राइस है 675 रुपी एंड सेलिंग प्राइस है हमारा 630 रुपी। तो आप जानते हो जो हमें फायदा या लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस है हमारा 675, देन हम उस चीज को सेल कर रहे हैं 630। तो आप देख रहे होंगे कि हमने खरीदी तो चीज ज्यादा ज्यादा की और बेच हम कम में रहे, तो हमें क्या होगा, लॉस। यानी कि क्या हो गया हमें, लॉस। तो लॉस निकलता है CP, लॉस निकलता है CP माइनस SP। CP हमारा 675 माइनस 630, देन हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे आ गया 54, 45 रुपए की क्या हो गया हमें, लॉस। हमें निकालना है लॉस परसेंट। हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। तो कैसे निकालते हैं, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लीकेशन 100, ये आ जाता है हमारा परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। तो हमारा आ गया 45/675 × 100। 5 से काट दो, 5 9 = 45, 5 1 = 5 बच गए 1, हो गया 17, 5 5 3 = 15 बच गया 2, 5 5 = 25। इसे 5 से काट दो, 20 बार 5 से, 5 2 = 10 बच गया 3 और 5 7 = 35, 35 और ये 9 1 = 9 और 9 3 = 17 इज इक्वल टू 20/3, 3 6 = 18, 3 6 = 18 बचा 2, 6 mixed 2/3% की हमें हो गया लॉस। तो देखा आपने दोस्तों इस पे क्या हुआ है, मैं 6 mixed 2/3% का लॉस। आइए देखते हैं थर्ड। कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमें 345 रुपी एंड SP दे रखा है हमें
372.60 रुपये। तो आप देख रहे होंगे कि हम किसी चीज को अगर इतने रुपए में खरीद रहे हैं, इतने में बेचते हैं, तो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो हम प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या है? एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या है हमारा? 372.60। एसपी हमारा 345.00। 06.12 में से 5 गया 7 और 6 में से 4 गया 2। 27.60 रुपए का हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है गेन बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लिकेशन 100। गेन मींस प्रॉफिट ही होता है, तो गेन की वैल्यू आई है हमारी 27.60 और कॉस्ट प्राइस है हमारा 345 मल्टीप्लाई बाई 100। पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन की, 100 से 100 कैंसिल, 5 से काट दो इसे दोस्तों, 5 जा 25 बच गया 2, हो गया 25। 5 जा 25 बच गया 1, 5 जा 10, 5 से 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। अब इसे 3 से काट के देखते हैं दोस्तों, 3 1 जा 3 बच गया 2, 3 1 जा 3 बचा 2 जो 25, 3 8 जा 24 बच गया 1, 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब किससे काट, इससे डिवाइड दे देते हैं इसमें 23 5 जा कितना होता है देखते हैं दोस्तों, 5 3 जा 15 का 1 कैरी का, 5 2 जा 10 और 1 11, 115 नहीं होता दोस्तों। तो अभी से देखते हैं 8 बार देख लेते हैं दोस्तों, कितने बार? 8 बार। 23 को 8 से देख लेते हैं, 8 3 जा 24 का 4 2 कैरी के, 8 2 जा 16, 216 और 218। यस दोस्तों, इसका आ गया 8%। इसका क्या आ गया दोस्तों?